फ्री चॉइस है ना माइनस वन, अगर कुछ हुआ तो माइनस वन नहीं माइनस थ्री होगा। ऑपोजिशन करप्ट है, हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तहरीक इंसाफ के दोस्त गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। चीनी का केस दोनों तरफ सीरियस हो सकता है। पेट्रोल साजिश के तहत 25 रुपए महंगा किया गया, वफाकी वजीर शेख रशीद। शेख रशीद का कोरोना इलाज के दौरान इंजेक्शन ना मिलने का शिकवा, 14 वजारतें चलाईं लेकिन 5 लाख का भी टीका ना मिल सका। चेयरमैन एनडीएमए ने इंजेक्शन फराहम किया, वफाकी वजीर रेलवे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इजलास, वफाकी वज़रा मुआविनीन और अस्करी हुकाम की शिरकत। इमरान खान को एनसीओसी की 100 रोज की मुकम्मल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदामात का जायजा। कोरोना से निमटने की कोशिश, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के 100 रोज मुकम्मल। टेस्टिंग सलाहियत 472 से 1 लाख योमिया, लेबोरेटरीज की तादाद 132 तक बढ़ाई गई। इदारे की मिसाली कारकर्दगी से मोहलिक वबा के दौरान आवाम को बड़ा रिलीफ। कोरोना पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम तरजीह, कोशिश है वबा का फैलाव रोकने के साथ रोजगार भी चलता रहे। सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, अगर एहतियात ना की तो फिर सजा मिलेगी। वजीर आजम की हिदायत पर एनडीएम ने स्पेशलाइज अस्पताल कायम किया, असद उमर की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की मौसर हिकमत अमली से वबा के फैलाव में कमी आई। स्मार्ट लॉकडाउन के नतायज हर सतह पर नजर आ रहे हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, एसओपीज पर अमल करते रहना होगा। वफाकी वजीर इत्तला'आत शिबली फराज का डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। कोरोना मजीद 68 जाने ले गया, अब तक 4619 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,25,283 शहरी मुतासिर। सिंध में 90,721, पंजाब में 80,297 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 27,506, बलूचिस्तान में 10,717 केसेस। अगर हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे, वजीर तालीम पंजाब का अहम ऐलान। पहले मरहले में जरूरी क्लासेस लगाने की इजाजत होगी, एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चों को बिठाया जाए। ईद उल अजहा से पहले लाहौर में 14 मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां मुकम्मल। तमाम मंडियां आबादी से 10 से 45 किलोमीटर के फासले पर लगेंगी। कोरोना केसेस कम होने पर शहर के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। कराची में गर्बी और जनूबी के बाद जिला शर्की में भी स्मार्ट लॉकडाउन, 7 यूसीज में पाबंदियों का आज से इतलाक। 18 जुलाई तक शहरियों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। जहां ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए वहां पर लॉकडाउन किया, टेस्टिंग सलाहियत 3,000 तक बढ़ा रहे हैं। एहतियाती तदाबीर अपनाकर वबा पर काबू पाया जा सकता है, वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान हुकूमत का मैट्रिक और इंटर के तलबा को प्रोमोट करने का फैसला, वजीर आला जाम कमाल ने समरी की मंजूरी दे दी। कुछ कानूनी पेचीदगियां मौजूद हैं जिन्हें फौरी दूर कर लिया जाएगा, चेयरमैन बोर्ड। लोड शेडिंग के साथ ओवर बिलिंग, कराची वालों के लिए दोहरा अजाब। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे बत्ती गायब। नाजिमाबाद, अबुल हसन अस्फहानी रोड, लियाकताबाद, मली सिटी, रफी गार्डन शामिल के इलेक्ट्रिक रवैया दुरुस्त करे, शहरियों का पारा हाई। शदीद गर्मी के अंदर ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, देर देर दो दो घंटे लाइट बंद कर देते हैं, कभी 8 बजे बंद करते हैं, कभी रात के 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कोई टाइमिंग नहीं है। बहुत गुस्सा आता है, 25,000 रुपये का बिल भेजा एक महीने का,
मैं वहाँ कम कराने गया हूँ तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। लोड शेडिंग का कोई हल नहीं है। 40 सालों से कौन सी ऐसी हुकूमत आई है जिसने इसका कोई हल निकाला हो। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी नामंजूर। तहरीक इंसाफ के अराकीन असेंबली ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची में 6 जुलाई को के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना देने का प्रोग्राम। बाहर बैठे हैं ना गर्मी तो बाहर के बत्ते नहीं गई तो बत्ते भी नहीं आटा भी नहीं गा ना लाइट है बेचारा बुरा हाल है थे और की दसी है जो जी हुकूमत आई है परेशानी के अलावा कुछ नहीं लगा सानू। और रात के टाइम तो सुकून देना चलो दिन ज आ रही है रात के टाइम तो बच्चे सुते होते हैं रात 1 बजे गई है 3 बजे आ रही सुबह 4 बजे आ रही है। लाहौर वालों का भी बुरा हाल। कई इलाकों में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की जबरी लोड शेडिंग। गुलशन रावी सब्जाजार शादबाग शादरा करीम पार्क बेगमकोट ज्यादा मुतासर। बिजली की तलब 4100 मेगावाट से भी तजावुज कर गई। वाफर बिजली की मौजूदगी के बावजूद लोड शेडिंग सिर्फ ना अहली। हुकूमत हर रोज आवाम के सब्र का कड़ा इम्तिहान ले रही है। कराची में बिजली की कीमतों में इजाफा दोहरा जुल्म है। नून लीग ने मुल्क में अंधेरे खत्म किए शहबाज शरीफ। आमदन से जायद असासे बनाने का केस। शहबाज शरीफ की कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती किट पहनकर लाहौर हाईकोर्ट आमद। गाड़ी में बैठकर हिफाजती मचलकों पर दस्तखत किए। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग की अहम बैठक। एहसन इकबाल और राणा सनाउल्ला की जेर सदारत इजलास में अहम मामलात पर मुशावरत। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का प्रोपेगेंडा गलत साबित हो रहा है। टाइगर फोर्स सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का एजेंडा है। लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम। मुख्तलिफ शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक प्लान मरतब करने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मंसूबे बनाए जाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार। यास्मीन राशिद का पंजाब के तमाम ब्लड बैंक्स की इंस्पेक्शन का हुक्म। आवाम की शिकायत के आजाले के लिए इकदाम का आगाज कर दिया। खून के गलत इंतकाल की रोकथाम के लिए कानून साजी की जाएगी। सूबाई वजीर सेहत। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का काम जारी। मेगा एयरपोर्ट पर 230 मिलियन डॉलर लागत आएगी। वजीर आजम की हिदायत पर तमाम मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर समेत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में बारिश मुतवक्के। कराची ठट्ठा बदीन और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अस्सलामु अलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। नौशीन जावेद को चेयरपर्सन एफबीआर के ओहदे से हटा दिया गया। जरा के मुताबिक जावेद गनी को नया चेयरमैन एफबीआर तैनात कर दिया गया। काबीना ने चेयरमैन एफबीआर की तैनाती की सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी है। इसकी तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदा उमर जेट से। उमर अपडेट कीजिएगा। ये तकरीबन अप्रैल के एंड में नौशीन जावेद अमजद जिनको चेयरपर्सन एफबीआर बनाया गया था और शब्बर जैदी को रिप्लेस किया था नौशीन जावेद अमजद ने, उनको गुज़श्ता रोज काबीना के फैसले के बाद अपने ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर जावेद गनी है जो कि चेयरमैन एफबीआर के, उनको नया चेयरमैन एफबीआर मुकर्रर कर दिया गया है और उनकी तैनाती की मंजूरी सर्कुलेशन समिति के जरिए काबीना ने मंजूर की है। तो अब ये शब्बर जैदी के बाद दूसरी एक अपॉइंटमेंट है। पहले नौशीन जावेद अमजद को लगाया गया एफबीआर का इंचार्ज दिया गया और अब उन्हें भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है और अब उसके बाद जावेद गनी जो कि सीनियर मेंबर हैं एफबीआर के और उनको दोबारा इस ओहदे पर तैनात किया गया है चेयरमैन एफबीआर के।
तो ये अप्रैल में पहले पेश किया गया शरबत जैदी को, और फिर उसके बाद ये तकरीबन 3-4 महीने में नौशीन जावेद अमजद को भी उनके ओहदे से हटाया गया है, और अब उनकी जगह जावेद गनी को चेयरमैन एफपीआर का चार्ज दे दिया गया है। और वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज सर्कुलेशन असेंबली के जरिए इसकी मंजूरी दी है, और अब नए चेयरमैन एफपीआर जावेद गनी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर, आपने अपडेट किया। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि माइनस की बात आई तो -3 होगा। दोनों सियासी जमातें संगीन केसेस में पकड़ी गई हैं, हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उन्होंने कहा कि तय हो चुका ऑपोजिशन नालायक है। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका यह भी कहना था कि पेट्रोल की किल्लत बेवक्त और एक साजिश के तहत बढ़ाई गई। चीनी का केस दोनों तरफ संजीदा हो, मीडिया पर ना धोए।